आज आपके बीच समानता क्रम समूहन और श्रेणी क्रम समूहन में व्यंजक प्राप्त करने के लिए जो सूत्र आता है, महत्वपूर्ण सूत्र है, जो आज हम इसे सिद्ध करेंगे। जैसे R इज इक्वल टू होता है R1 + R2 + R3, ये श्रेणी क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समूहन। और एक आता है आपका समानांतर क्रम समूहन, 1/R = 1/R1, 1/R2 और 1/R3। ये दोनों जो व्यंजक है समानांतर क्रम समूह में, समूहन में काफी इम्पोर्टेंट है, वो भी 10th लेवल के एग्जाम में। आज हम इसे साबित करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दोनों को फिगर बनाएंगे, समानांतर क्रम समूहन और श्रेणी क्रम समूहन का। मान लेते हैं R1, R2, R3, पॉइंट ए पॉइंट बी, कुल धारा का मान I, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका I1, I2 और I3। और ये तीनों प्रतिरोध के लिए जो वोल्टेज का मान समान होता है। तो देखिए यहाँ पे समानांतर क्रम समूहन का जो फिगर मेरा कंप्लीट हो गया, अब श्रेणी क्रम समूहन का हम लोग फिगर लेंगे। ये आपका ए बी सी और डी है। तो देखिए यहाँ पे इस पूरे परिपथ में धारा का मान आपका समान रहता है, लेकिन वोल्टेज का मान आपका भिन्न भिन्न होगा। V1, V2 और V3। पूरा वोल्टेज V। अब देखिए यहाँ पे दोनों को हम लोग मानेंगे। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ते हैं। फिर इधर हम सेम करेंगे, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इसका जिससे समतुल्य प्रतिरोध R होगा, और इधर भी क्या हो जाएगा आपका समतुल्य प्रतिरोध R होगा। कि इसमें भी परिमाण हम लोग करेंगे और इधर हम लोग परिमाण करेंगे। तो देखिए आपने यहाँ पे वोल्टेज का मान अलग अलग है, यहाँ पे धारा का मान अलग अलग है। हमेशा याद रखिएगा, समानांतर क्रम समूहन में धारा का मान अलग अलग और श्रेणी क्रम समूहन में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि V1 और होगा आपका V1 + V2 + V3, और इधर हो जाएगा आपका I = I1 +
आई टू प्लस आई थ्री। फिर यहाँ पर बोलेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से भी बराबर आई आर होता है, भी बराबर आई आर, तो इसलिए आई बराबर हो जाएगा आपका भी बटे आर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रतिरोध आर वन आर टू आर थ्री प्रतिरोध आर वन के लिए आर वन आर टू तथा आर थ्री के लिए यहाँ पे हो जाएगा आपका वी वन इज इक्वल टू, क्योंकि धारा का मान यहाँ पे क्या होगा सेम होगा, वी वन आर वन वी टू आई आर टू वी थ्री आई आर थ्री। इधर हो जाएगा आपका प्रतिरोध आर वन आर टू तथा आर थ्री के लिए, देखना भी कितना होगा आपका आई वन इज इक्वल टू पी का तो मान समान होगा आर वन, आई टू इज इक्वल टू वी टू बटे आर टू, आई थ्री इज इक्वल टू वी वाई आर थ्री। फिर देखिए यहाँ पे समीकरण एक में हम लोग देखते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से मेरा होगा यहाँ पे वी इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे आई आर पुट कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका आई आर वन आई आर टू और आई आर थ्री, यहाँ पे होगा मेरा वी बटे आर, वी बटे आर वन, वी बटे आर टू, वी बटे आर थ्री। फिर यहाँ पे इसको आई आई क्या आई आर हो जाएगा आर, आई का मान बाहर निकलेगा आपका आर वन आर टू आर थ्री, यहाँ पे बी बटे आर हो जाएगा बी बटे आर, बी कॉम हो जाएगा आपका वन बाई आर वन बाई आर टू वन बाई आर थ्री। अब देखिए कटेगा आपका आई से आई कैंसर, बी से भी कैंसर, आर बराबर समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आपका आर वन आर टू और आर थ्री, वन बटे आर इज इक्वल टू वन बटे आर वन वन बाई आर टू वन बाई आर थ्री, यहाँ पर हो जाएगा आपका रूट। चलिए श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम समूहन में जो व्यंजक था आपका, श्रेणी क्रम समूहन के व्यंजक है आपका आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और समानांतर क्रम के लिए वन बाई आर इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। तो देखिए आप ये पांच नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी, ये दोनों में से कोई एक पूछता है पूछता है, और इस बार एकदम गारंटी के साथ इसको एक से दो बार आराम से देख लीजिएगा, पूछेगा ही पूछेगा। चलिए अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।